दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा अमरकंटक के खूबसूरत जंगलों के बीच एक पवित्र स्थान पर, जहां की मां नर्मदा अपने सखियों के साथ खेला करती थी। साथ ही आपको इस स्थान में मां नर्मदा की बाल रूपी मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस माई की बगिया में आपको विभिन्न प्रकार के औषधि भी देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ चलते हैं माई की बगिया की ओर और उस जगह की कुछ खास बातों के बारे में वहाँ के पुजारियों से चर्चा करेंगे। जय नर्मदा जी की बगिया इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर नर्मदा जी ने कन्या रूप में बाल रूप में खेला करती रही अपनी सहेली के साथ, गोलोकावली के साथ। यहीं पर उनकी धार उठती है वहाँ मंदिर के, यहाँ से पांच कुंड है। प्रथम कुंड जो है वो चरणोदय कुंड के नाम से जाना जाता है, दूसरा कुंड जल परिवर्तन वाला है, तीसरा कुंड शिव कुंड है, चौथा जो आम पुराना कुंड है, पांचवा जी स्नान कुंड है। यहीं से नर्मदा जी गुप्त होकर के रेवा कुंड में निकलती है। नमामि देवी नर्मदे जी की एक छोटी सी मंदिर निर्माण की गई है और यहाँ फोटो खींचने अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से कांटेक्ट किया और यहाँ के जो थे पुजारी उनसे हम लोग बात करने पे उन्होंने परमिशन दिया कि आप शूट कर सकते हो। और ये है यहाँ का नर्मदा माता जी। इसी के दोस्तों आप देखेंगे यहाँ परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं कुछ यहाँ के जो ग्रामीण या फिर श्रद्धालु हैं, और अपनी परिक्रमा कंप्लीट करके वो शायद ऊपर से आते हैं। एक परिक्रमा ही लोगों का माई की बगिया के स्थान पे, और एक टाइल से पूरी बनी हुई है जहाँ से वो परिक्रमा करके इस स्थान पे आते हैं और यहाँ माता जी का दर्शन करते हैं। और यही स्थान पे बताया जाता है कि माता जी यहाँ खेली कूदी और बहुत ही टाइम व्यतीत की है अपनी पाँचों बहन के साथ। दोस्तों माई की बगिया का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।